हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा। स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। इसके लिए हमें बहुत ही कम सामान चाहिए होगा। 1 कप चावल का आटा, 1/4 कप चीनी, 1 टेबल स्पून नारियल का बूरा, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 1 टेबल स्पून ऑयल या घी, आप कुछ भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा हमने लिया है फूड कलर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे अपना डो। एक मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे 1 कप चावल का आटा, इसमें मिलाएंगे चीनी, नारियल का बूरा और मिल्क पाउडर। सभी सूखे सामान को हम आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम ऑयल या घी, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा मिलाएंगे फूड कलर, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने कलर के लिए डाला है। और इसमें अब हम ऐड करेंगे धीरे धीरे वाटर। अब हम हाथ से इसका एक अच्छा डो तैयार करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि जो चावल है वो थोड़ा सा पानी अब्सॉर्ब करता है। बस इस तरह से इसको मिक्स किया और 10 मिनट के लिए हमें इसको छोड़ देना है। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये आटा हमारा सेट हो गया है, एकदम टाइट डो ये तैयार हुआ है। अगर आपका ये नरम हो तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा आप और मिक्स कर लीजिए, पर इस तरह का सख्त डो हमें चाहिए होगा। देखिए एकदम सख्त डो है ये। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हम लेंगे, थोड़ा सा चावल का आटा ही हम डस्ट करेंगे। और इस तरह से इसको बेल लेंगे। ज्यादा पतला हमें नहीं बेलना है, और इसको किसी भी शेप से हम कट कर लेंगे। आप कोई भी कटर यूज कर सकते हैं, नहीं हो तो सर्कल भी किसी ढक्कन से आप यूज कर सकते हैं। जो बाकी बचता है इसको इसी तरह से वापस से मिक्स करके हम फिर से बना लेंगे। हॉट शेप में मैंने बनाए हैं ये, देखिए इसी तरह मैं अपने सारे कट कर लूंगी। उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। देखिए ये सब हमारे इस तरह से कट हो गए हैं, मोटी थिकनेस के हैं ये। अच्छी, कुछ मैंने हार्ट शेप में कट किए, कुछ मैंने इस शेप के कट किए हैं। चलिए अब इसको करते हैं अपन डीप फ्राई। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके हम इसको डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे, ज्यादा तेज गैस पे हमें नहीं बनाना है, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे ये। थोड़े से ये सिक जाएंगे, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। दोनों साइड से हमें इसको गोल्डन होने तक सेकना होगा। ये दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं, एकदम गोल्डन हो गए हैं। ये देखिए इस तरह का कलर हमें चाहिए होगा। बस इसी स्टेज पे हम इन सबको निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। इसी तरह से मैं अपने बाकी सारे भी कर लूंगी। ये देखिए सारे हमारे तलकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बने हैं ये, गोल्डन और क्रिस्पी, और बहुत ही अच्छे बने हैं। ये देखिए एकदम क्रिस्पी ये सारे हमारे बहुत ही अच्छे बने हैं। इसके लिए चावल का आटा बस आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बारीक पीस कर उसको छान कर ही लेना है, तभी हमारा डो तैयार होगा। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।